behind closed doors, I'm a fool for your love. और मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में, इसके बारे में मैंने फेसबुक पर पहले ही अपलोड कर दिया। आप अगर अपने मेरे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो गाइस आप जाकर मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ में आप जाकर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज कर मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, या फिर आप कमेंट पर भी लिख सकते हैं। तो गाइस चलिए बताते हैं कि आपको क्या बताने वाला हूँ मैं। गाइस एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हमने, ये वीडियो हमारे को लाना नहीं चाहिए था, पर मुझे इतनी अट्रैक्शंस मिली अपनी स्कूल की एग्जीबिशन पर कि ये प्रोग्राम है क्या, किस तरीका का है, सभी जानना चाहते थे कि इसके अंदर क्या है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसे जैसे पॉपुलैरिटी में लूट लूँ। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जो शो आता है सोनी टेलीविजन पर, उसको लेकर हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक जावा प्रोग्राम। मतलब सोचिए जावा प्रोग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कंप्यूटर में कोई भी दुनिया बना सकते हैं, अपनी किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे कैसे करके आप क्रिएशंस कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा तरीका है मैंने बताया है, इसमें आप चार लाइफ लाइन ले सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन वहाँ पूछते हैं तो आप भी बैठ के अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं कि बताओ इसका आंसर है। एक लाइफ लाइन मतलब ऑडियंस बोल रहे हैं, एक कोना फ्रेंड है, तीसरा हम लोग का है और डबल डिप, चौथा है एक्सपर्ट एडवाइस। आप इसे रैंडम ऑर्डर से ले सकते हैं, सभी क्या आंसर नहीं देगा। आप ऐसा मत सोचिए कि चलो लाइफ लाइन है तो फिर क्या गेम में मजा है, नहीं, हमने एक ऐसा तरीके से बैठ किया कि आपको सभी आंसर्स नहीं मिलेंगे, कुछ रैंडम है, कुछ मजा है। इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं आप, इसे अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। इसका ड्राइव में मैं आपको इसका पूरा नोट पैड दे दूंगा, रन में आपको दिखा दे रहा हूँ और प्रोग्राम का एक झलक दिखा दूंगा आपको। अपने अगर तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स अभी कम है तो मैंने हाइड करके रखा है, पर जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़ जाते हैं तो मैं ज़रूर इसे ओपन कर दूंगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम हैं अपने डेस्कटॉप पर, तो वी ऑन द डेस्कटॉप, सो लेट्स स्टार्ट ब्लू जे। सो हम ब्लू जे ऑन करेंगे और उसमें एक प्रोग्राम है मेरा केबीसी। सो ये बेसिकली आकाश शूट कर रहा है और मैं इसको सिर्फ माइक दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा केबीसी और उसमें वॉइड मेन जो फंक्शन है वॉइड मेन, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं वॉइड मेन। सो वॉइड मेन में असलियत में है ये प्रोग्राम। तो हम देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन से, यहाँ पर बहुत सारे हैं तो मैं पांच वक्त खेलना चाहता हूँ, पांच लेता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ वाई लेकर यस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे ये हैं, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, एक्सपर्ट एडवाइस है, डबल डिप है और यहाँ पर ए बी सी डी से आंसर दे सकते हैं, एल से लाइफ लाइन ले सकते हैं, क्यू से क्विट कर सकते हैं, ये दिखा दे रहा है। उसके बाद सेकेंड पेज पर हम जैसे ही जाते हैं वहाँ पर हमको लिखना है रेड फोर्ट, ताजमहल, जम्मा मस्जिद और आगरा फोर्ट। तो आंसर है मेरा था जो मतलब ताजमहल, और यहाँ फोर्थ विलियम लोकेटेड कहाँ है, कोलकाता में है, तो सी लेकर आंसर चलते हैं आगे। वेल डन दिखाता है, ये बस बताना चाहता था। और मैं गुरुदक्षिणा डिड द्रोणा फुटबॉल क्लब है, मुझे नहीं पता एल, तो मैं गोइंग विथ ऑडियंस पोल, तो क्योंकि आपको पता है 10 तक आंसर मिलने वाला है तो इसलिए डी से 74% आ चुका है, और तो वेल डन आ गया। तो यहाँ पर चलते हैं तो हमें चौथे क्वेश्चन पर एपीजे, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर इसको लेकर एल लेकर। तो फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड में एक रैंडम ऑर्डर फिट किया हुआ रैंड डॉट कुछ, तो इसीलिए आपको मतलब रैंडमली आंसर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, यहाँ तो फ्रेंड बोलेगा आपको फ्रेंड हैज़ नो आइडिया। सो इधर है फाइटर जेट कौन चलाया था, तो आंसर तो ये है पर एल लेकर चलते हैं। तो देखते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस आपको 12 तक आंसर देने वाला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना 12 तक आपको आंसर देगा। सो ये बहुत ही अच्छा लाइफ लाइन है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर डबल डिप, डबल डिप आप पे डिपेंड करता है, आप डबल डिप के द्वारा सेकंड क्वेश्चन पे लाइफ लाइन भी ले सकते हैं अगर आपके पास लाइफ लाइन बचा होगा उस समय। तो आप यहाँ पर पहला चॉइस गलत है तो सेकंड चॉइस भी डाल सकता हूँ, आपको समझ आता होगा प्रोग्राम। तो चलिए आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें तो आगे भी वीडियोज़ आता रहेगा। तो चलिए गाइस जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जल्दी ही आएंगे।